अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग? खैरियत से हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है व्यूवर्स, ये आप लोगों की एक तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है पिछले कुछ टाइम से, कुछ ब्राइडल ड्रेसेस दिखाएं जो लाइट रेंज में हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये व्यूवर्स क्वालिटी वर्क होता है, लेकिन चूंकि हमारे ड्रेसेस हैवी होते हैं मोस्टली, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वो रेंज में नहीं आते, लेकिन जाहिर सी बात है हमें आप सब लोगों का ख्याल रखना होता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए दो ड्रेसेस लेके आया हूँ, और मज़े की बात ये है दोनों मैंने क्लाइंट के ऑर्डर्स हमारे रेडी हुए हैं, उनका बजट भी कम था, लेकिन जो हमारे हैवी ड्रेसेज हैं उन्हीं में से हमने उनको काम जो है वो लाइट कर दिया। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप लोग व्यूवर्स फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। पढ़ते हैं जी आज के खूबसूरत डिटेल्स की तरफ। तो आज की वीडियो में हमजा भाई के थ्रू जो उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, हम जो ड्रेसेज आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। एक ये देखें जी, माशाल्लाह ये क्लाइंट का ऑर्डर रेडी हुआ है, फ्रंट बैक एक जैसा काम है पर लाइट सेटिंग के अंदर रेडी किया गया है। इसी के साथ फिर ये सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर जो है ये भी रेडी हो चुका है, ये भी फ्रंट बैक जो है एक ही जैसा काम है और लाइट सेटिंग के अंदर रेडी किया गया है। अच्छा जी, वीडियो में बढ़ने से पहले एक चीज़ मुझे आप लोग स्टार्ट में बता दें, हम जो वीडियोज़ बना रहे हैं, आया ये जो लाइटिंग है, क्या आप लोग को ड्रेसेस हमारे प्रॉपर विजिबल होते हैं या नहीं, बता अगर हमें अपनी लाइटिंग रूफ के लिए जरूरत है या एज इट इज़ इस तरह ठीक है, काइंडली आपने लाजमी हमें फीडबैक देना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये इस वाले ड्रेस की। सबसे पहले मैं आपको ना इसका जो मास्टर पीस है व्यूअर्स वो मैं दिखाऊंगा। इसका जो मास्टर पीस है ये बिल्कुल फ्रंट पे हमने डिस्प्ले किया हुआ है। ये हमारे क्लाइंट आए थे आज से तकरीबन 2 महीने पहले, तो इनको जो है ना ड्रेस बनवाना था अपनी रेंज में, लेकिन इनकी रेंज कम थी। इनको मैंने ये वाला मास्टर पीस दिखाया, इनको मैंने इसकी प्राइस बताई, इन्हें ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन ये कह रहे थे कि भाई ड्रेस तो हमें पसंद है लेकिन हमारी प्राइस रेंज के अंदर जो है ये नहीं आ रहा। तो चूँकि अब हमारी मजबूरी थी, मैंने जितना उसको कंसेशन में दे सकता था मैंने दिया, लेकिन बट स्टिल उनके रेंज से आउट हो रहा था। तो फर्दर मैंने उनको ये करके दिया कि मैंने कहा आप फिर ये काम करें, इस ड्रेस के जो बैक लुक है ये वाली, ये हमसा थोड़ा काम क्लोज करके दिखाएं, तो ये जो ड्रेस के जो बैक लुक है, मैंने कहा फिर आप जो ना ये बेल वर्क का काम आजकल काफ़ी पॉपुलर है, आप इस काम में चले जाएं, मैं आपको जो ना ये चीज़ बना देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये आइडिया मेरा काफ़ी अच्छा लगा, और इस बेस पे उन्होंने कलर भी सेम रखा और मेरे आइडिया के उन्होंने अपना ड्रेस जो है वो रेडी कर। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो ड्रेस है माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक दे रहा है, मैं आप लोगों का काम थोड़ा करीब से भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह इनका जो ड्रेस है ये फ्रंट बैक जो है एक ही पैटर्न में रेडी किया गया है। मैं एक दफ़ा इसका आपको राउंड दे रहा हूँ, ये देखिए माशाल्लाह जब ये ब्राइड पहनेगी तो क्या ही ज़बरदस्त लुक जो है इंशाल्लाह ड्रेस देने जा रहा है। अच्छा जी, आप लोग काम के हवाले से पूछेंगे तो हमजा थोड़ा काम करीब से दिखा देंगे आपको। काम पूरे ड्रेस के अंदर जो है ये कोरा दबका और जूली वर्क एक खूबसूरत एक कम्बिनेशन जो है वो ऐड ऑन किया गया है। आजकल जो है व्यूअर्स जो मिक्स मटेरियल इसी का ही फैशन चल रहा है, तो सेम फैशन को फॉलो करते हुए ये जो ड्रेस है हमने मिक्स मटेरियल के अंदर रेडी किया है। इसमें अगर मैं मेनली चीज़ें बताऊं तो इसमें कोरा दबका यूज़ किया गया है, जूली वर्क में इसमें बीड्स यूज़ किए गए हैं, इसमें पर्ल्स यूज़ किए गए हैं, डिफरेंट टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं वो अप्लाई किए गए हैं, और इसके अलावा माशाल्लाह लाइक वैरायटी ऑफ मटेरियल जो इसके अंदर जो है वो एम्बेड किया गया है। अच्छा, बॉडी वर्क के हवाले से बात बताऊं तो बॉडी वर्क में आप देखेंगे एक खूबसूरत नेक लाइन बना के दी है, बीच में मोटिव्स का स्प्रे है, यहाँ पे ये पैटर्न आप देखें, ये जिस तरह विंग्स होते हैं बेसिकली ये विंग्स पैटर्न को जो है यहाँ पे यूज़ किया गया, ये विंग्स बनी हुई है और उसके जैसे यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर से अगर मैं लोअर पार्ट पे जाऊँ तो लोअर पार्ट में यहाँ पे स्ट्रेट बेल वर्क्स है बिल्कुल नैरो बॉर्डर्स के साथ, बीच में मोटिव्स का स्प्रे है खूबसूरत, और बिल्कुल नीचे अगर आप हमजा आपको दिखाए यहाँ पे इनका जो है तकरीबन को 6 से 7 इंच का बॉर्डर है और बॉर्डर स्कैलप में है। ये इसकी डिटेलिंग है जी, फ्रंट लुक भी आपने देख ली और ये रही इसकी बैक लुक। अच्छा जी, मैं क्विकली इसका आपको दुपट्टा दिखाता हूँ और दुपट्टे के बाद जो है मैं इसके फैब्रिक के हवाले से डिटेल दूंगा। एक और चीज़ बता दूँ, आज की वीडियो में मैं प्राइस लाजमी बताऊंगा इन दोनों ड्रेसेस की मेकिंग, अगर आप लोगों ने ऑर्डर देना हुआ, कुछ वीडियोस में मैंने प्राइस अनइंटेंशनली नहीं दी थी, उसकी कुछ रीजंस थी, लेकिन आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं लाजमी जो है प्राइस रिवील करने जा रहा हूँ। ये रहा इसका दुपट्टा व्यूअर्स, ये क्लाइंट को हमने इस सेटिंग में दुपट्टा रेडी करके दिया है, बीच में खूबसूरत जो है इसमें मोटिव्स का स्प्रे है, फोर सेट जो है बिल्कुल एक नैरो बॉर्डर के साथ ये काम किया गया है। हमजा थोड़ा काम करीब से दिखाएं आप, तो ये देखें माशाल्लाह एक बड़ी ही प्यारी सेटिंग रेडी की गई है, जब इंशाल्लाह ब्राइड इसको वेयर करेगी तो एक अच्छी और एक खूबसूरत जो लुक है डिसेंट लुक जो है वो ये दुपट्टा जो है इनको देने जा रहा है। ड्रेस के साथ दुपट्टा कैसा लगेगा मैं ये भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, ड्रेस के साथ अगर जो लुक है वो एक नज़र आप लोगों ने देखनी है, तो दुपट्टे के साथ ड्रेस जो है इंशाल्लाह इस तरह की लुक जो है वो
प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही बैलेंस लुक, इंशाल्लाह जब ये लाइट्स के तभी तो लाइट्स इसके इसके ड्रेस के ऊपर थ्रो नहीं कर रही, जब इसके ऊपर लाइट्स पड़ेंगे इस ड्रेस के ऊपर तो इसकी लुक जो है और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। अच्छा जी, अब आप लोग पूछेंगे फैब्रिक के हवाले से, तो इस ड्रेस का मुकम्मल जो फैब्रिक है ये नेट फैब्रिक हमने यूज़ किया है, और अंदर जो मैक्सी के अंदर जो लाइनिंग है इनर जिसे कहते हैं बस वो टिश्यू जरी का है, जिसकी वजह से हमने ड्रेस के अंदर काफ़ी ग्लो का एलिमेंट जो ऐड किया है। तो ये था पहला ड्रेस, अब मैं क्विकली सेकंड ड्रेस की तरफ लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को पहला ड्रेस कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो तो आप लोग लाजमी हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, अब बातें हैं जी सेकंड ड्रेस की तरफ। मैंने अपना ड्रेस भी वाइट पहना हुआ है, ये क्लाइंट का जो ऑर्डर है ये पर्ल वाइट कलर में रेडी किया गया है। अच्छा, इसका जो फ्लेयर साइज है, फ्लेयर साइज जो उस वाले ड्रेस है इसका फ्लेयर साइज जो है वो ज़्यादा रखा गया है। एक दफ़ा इसकी ये फ्रंट लुक आप देखें, माशाल्लाह एक खूबसूरत लुक है, बहुत ही प्यारी लुक है, और इसी तरह सेम लुक आपको बैक से भी इस ड्रेस की आप लोगों को नजर आएगी। ये देखें इसके बैक लुक, तो माशाल्लाह बैक लुक भी बहुत ही ऑसम है। अच्छा, वर्क के बाद मैं डिटेल क्विकली दे देता हूँ, मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अगेन ये ज्वेलरी वर्क में रेडी किया गया है, मेन रेशो ज्वेलरी वर्क का ज़्यादा है, साथ में कोरा दबका भी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। हमसे थोड़ा काम आप करीब से दिखाएं। बॉडी वर्क में देखिए एक नेक लाइन है, बीच में खूबसूरत पैटर्न बना हुआ है, कोरा दबका ज्वेलरी वर्क इसमें एम्बेड किया गया है। फिर नीचे यहाँ पे एक बॉर्डर है, बॉर्डर से नीचे हमसे अगर आप लेके जाएंगे तो लोअर पार्ट में यहाँ पे मोटिव्स का स्प्रे है, और तकरीबन कोई 9 से 12 इंच के बड़े साइज का जो बॉर्डर है वो इसके फ्लेयर पे फ्रंट बैक दिया गया है। व्यूअर्स, ये खूबसूरती है इसके इसके फ्लेयर पे ये फ्रंट बैक दिया गया है, और बैक लुक भी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सेम है। अच्छा जी, एक चीज़ सॉरी टू से, इसका जो दुपट्टा है अभी चूंकि ये ऑर्डर इनकी मैक्सी स्टिच हो गई है, दुपट्टा अभी स्टिचिंग डिपार्टमेंट में है। अलबत्ता इसकी जो दुपट्टे की सेटिंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरीके से आपको मैंने इस ड्रेस का दुपट्टा दिखाया, ऑलमोस्ट सेटिंग सेम है, छोटे साइज़ के जो बॉर्डर है वो 4 साइड पर अप्लाई किया गया और बीच में मोटिव्स का स्प्रे है। तो अगेन प्राइस की बात अभी थोड़ी देर में करने जा रहा हूँ, उससे पहले आपको फैब्रिक बता देता हूँ। मुकम्मल इनका जो ड्रेस है नेट फैब्रिक है, लेकिन अंदर जो लाइनिंग है वो टिश्यू जरी की है, जिसकी वजह से हमने ग्लो के एलिमेंट ऐड किए हैं। तो अच्छा जी, अब चलते हैं जी ड्रेस के प्राइस की तरफ। अगर आप लोगों ने ये ड्रेस ऑर्डर करना है व्यूअर्स, मैं आप लोगों के लिए इंतहाई स्पेशल रेट लेके आया हूँ, बहुत ही कंसेशन वाला रेट है। ये दोनों ड्रेसेस इनके जो अलग अलग रेट हैं व्यूअर्स, आप ऑर्डर ये वाला करेंगे तो इसकी जो बुकिंग प्राइस है जस्ट 1,25,000, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है व्यूअर्स। 1,25,000 में मुकम्मल टोटली हैंडमेड ड्रेस है ये, हम आपको सेम सेटिंग में बना देंगे। और अगर आपने इसका ऑर्डर प्लेस करना है, इसका फ्लेयर साइज रिलेटिवली उससे बड़ा है, प्राइस इसकी ज़्यादा है, लेकिन मैं ज़्यादा इसमें प्राइस आप नहीं करूँगा। 1,30,000 के अंदर जो है आपको ये वाला ड्रेस जो इंशाल्लाह हम रेडी कर देंगे। तो ये जितनी आज के दोनों ड्रेसेस की मुकम्मल डिटेल्स, मैं अगेन उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लास्ट में जी वीडियो एंड करने से पहले ऑर्डर करने का प्रोसेस बता देता हूँ। हमारे ऑर्डर करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने हमारे आउटलेट आना है, हमारे आउटलेट आके ऑर्डर प्लेस करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे आउटलेट का जो है एड्रेस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग हमें पाकिस्तान से डिफरेंट सिटीज से फॉलो कर रहे हैं, आप लोग नहीं आ सकते, या आप वर्ल्ड वाइड अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट कंट्रीज से हमें फॉलो कर रहे हैं, तो ऑर्डर करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। लेट सपोज आप अपनी मर्जी का कोई भी डिज़ाइन, जैसे आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है, कोई भी डिज़ाइन पसंद आता है, आप स्क्रीन शॉट लें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर स्क्रीन शॉट भेजें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों से इंगेज होंगे, उसके बाद निगोशिएशन का प्रोसेस होने के बाद मेजरमेंट्स की वीडियो आपको भेजी जाएगी, आपने अपनी मेजरमेंट्स हमें अकॉर्डिंगली भेजनी है, और तमाम डिटेल्स जो है हम मेन जो अपनी रिसीट है उसके ऊपर नोट डाउन कर लेंगे, जिस तरीके से आपका ऑर्डर जो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को एंड करते हैं जी, काफ़ी बड़ी वीडियो होगी है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।